नमस्कार भाई और बहनों, ज्ञान संस्कार चैनल में आप लोग को स्वागत है। हम लोग आए हैं कर्णोगढ़ का मंदिर में। पहले यहाँ पर रानी शिरोमणि जो था राजा, वही सब बनाए थे। मंदिर में आए हैं हम लोग, आप लोग को आगे चल के दिखा रहे हैं। ये पुराना कुआं है, राजा लोग बनाए था, तो बना करके गया है आदमी को पानी पीने लायक हो। ये कौन सी राजा ने बनवाया था? ये इसका नाम कर्णगढ़ रानी शिरोमणि जो मणि जो था, जैसे गदाधर रामकृष्ण परमहंस थे जो कालीघाट में बना हुआ था, उन्हीं का संपर्क में ये राजा। यहाँ पर बहुत राजा आए, बहुत राजा गए। ये पुराना कुआं है? ये पुराना कुआं है, अभी घेरा हुआ है। अभी घेरा हुआ है। कुंड है ये, हवन कुंड को सुरक्षित रखा गया है, इसमें हवन होता है। बहुत प्राचीन मंदिर है। ये जगह होता है इधर ना? ये क्या है पंडित जी? ये माँ पीताम्बरी का मंदिर है, जिसको बगलामुखी बंगला में बोलते हैं, हिंदी में पीताम्बरी माँ बोलते हैं। माँ पीताम्बरी का मंदिर है, इतना प्राचीन है? बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। और जो रघु बाबा का, ये देखिए रघु बाबा का भी पूजा होता है यहाँ पर। रघु बाबा का वहाँ पर आसन लगा हुआ है, और पत्थर जो आप लोग देख रहे हैं वो पंचमुंडी का आसन है, तो उसी में बोला जाता है उसको। वो रघु बाबा बैठते थे, फिर शंकर बाबू बैठना चालू किया, उसके बाद अभी कोई अभी बैठता है कि नहीं बैठता है। अभी बहुत दिन बाद आए ये माँ बगलामुखी का मंदिर है, पीताम्बरी मातेश्वरी का, और इसे कर्णगढ़ बोला जाता है। हाँ, इसी को ही कर्णगढ़ बोला जाता है। सूर्य आसन और तंत्र आसन, योग आसन के विषय में बताएंगे। ये योग आसन है। अच्छा, ये योग आसन योग करने के लिए है। तंत्र आसन
अभी तो तालाब बंद है, बच्चा लोग कई कई बच्चा लोग गिर जाते हैं, फट जाता है माथा वगैरह, इस कारण बंद रखा गया है। उसके ऊपर है तंत्र आसन, एकदम ऊपर बीच में। अच्छा, बीच में तंत्र आसन है, ऊपर में सूर्य आसन है। अच्छा, ठीक है। जैसे बोलते हैं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, सतगुरु सतो रजो तमो, यहाँ पर तीनों क्रम आदमी कर सकता है। मेनली यहाँ पर कौन बैठता है आसन में? ये आसन में हम भी बैठे हैं और रघु बाबा भी बैठे हैं, शंकर बाबू भी बैठे हैं। थोड़ा देखना दीजिए कैसा है। राजा का बनाया हुआ है, ये देखिए प्राचीन पत्थर है। और यहाँ जो छिद्र है, यहाँ जो छिद्र है, छोटा छोटा छिद्र है, यहाँ से पहले जब युद्ध होता था यहाँ से तीर छोड़ा जाता था। दुर्ग है, दुर्ग, दुर्ग बोला। हाँ, दुर्ग। यहाँ पर सिपाही रहता था। हाँ, सिपाही सेना लोग रहता था इधर से। माता रघु बाबा का बात कर रहा है, ये बहुत बड़ा डाकू था। बहुत टाटा में इनका घर द्वार परिवार सब था, बहुत डकैती करते थे, कुछ कुछ तंत्र विद्या जानते थे। यहाँ पर धीरे धीरे आने लगे, आते आते माँ का कृपा हुआ, सब गलत कर छोड़ करके माँ का जो पहले जो पत्थर देखा है पंचम जी का आश्रम में बैठते थे, ये पूजा करते थे माँ का। पहले नहीं था, ये पुराना नहीं है, पुराना सबसे पुराना पुराना वाला बहुत है। ए रघु बाबा, ए रघु बाबा, पहले इनका टाटा में चोरी चपाटी करते रहे, तंत्र विद्या भी जानते रहे, लेकिन माता शरण में आकर के ये साधन बन गए। जैसे वाल्मीकि जो था, पहले असुर रत्नाकर थे, जैसे हुआ था इनका भी सब वही घटना है। लास्ट में संत हो गए रघु बाबा है, आप लोग आइए दिखाते हैं। अभी तो ये टाइल्स वगैरह देखा है, पहले कुछ नहीं था, सुंदर लगने के लिए। ये शिवलिंग दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत नीचे है। पुराना, ये भी पुराना है, ये भी बहुत पुराना है। बहुत पुराना शिवलिंग है ना, एकदम नीचे है ना, एकदम नीचे। सुंदर लग। एक कहानी हुआ था यहाँ पर। पहले बच्चा एक तो गिर गया था इसके अंदर। अच्छा, तो उनको ऑटोमेटिक जो है बाबा शिव बाबा जो है उठा दिए। पुराना कब हुआ था? पुराना नहीं है, आपका 2000 का पहले के बात है। आप बहुत गहरा दिख रहा नहीं है। आ गया नंदी के सामने, नंदी बाबा है। ऐसे सब ऐसे कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं होता, सब जानते हैं नंदी बाबा है। और एक तो गाछ है, गाछ हम दिखाते हैं।
उसमें ये भी पुराना है, नंदी बाबा भी पुराना है। ये नंदी बाबा को चेंज किया गया है। अच्छा, पहले नंदी बाबा जो था पत्थर का वैसे बुल्डर का बनाया हुआ था, अपडेट होते गया, मंदिर का रंग पहले नहीं था। ठीक है, करवाएगा रिनोवेशन, रिनोवेशन करवाएगा। हां रेड की ये जो है थंब, हां एक थंब है, इस थंब है इसमें कोई भी पता मांगने की मदद करना पूर्ण होता है। अच्छा, गाछ भी था, गाँव को दिखाई नहीं पड़ता। ये जो स्तंभ है पुराना है, पुराना ये पुराना बोलने से मतलब थोड़ा सा रिपेयरिंग करके पहले भी था, पहले भी था। और ये क्या है, रघुनाथ जी अंदर थे आपने दिखाया, मंदिर का बाहर भी दिख रहा है। ये अभी बैठा है मूर्ति, अभी के लिए बैठा है, अभी बैठा है। अच्छा, लेकिन वो असली पेड़ है, वो जो पेड़ दिख रहा है। हाँ, अच्छा, उसमें ही आदमी बांधता रहा सब। पेड़ आगे दिखा सकते हो, दिखाई यही पेड़ था वो। क्या है दिखा रहा है, कलर दिख रहा है, कलर देख आप लोग देखिए रहे हैं। यहाँ पर एक जो है कौवा, अच्छा, एक रात में ये संबंधित विश्वकर्मा जी ने बनाया थे ये मंदिर, विश्वकर्मा जी ने बताया एक ही रात में। जब सुबह का टाइम समय में
ये भी बहुत पुराना है, ये भी बहुत प्राचीन है, प्राचीन का है। देखिए आप लोग ये सब जो है नया नया अभी सब रेनोवेशन किया है, रेनोवेशन किया हुआ है। ये क्या है? ये गाजन होता है। अच्छा, जिसको शिव भक्त बोलते हैं। शिव भक्त, शिव का जो गाजन होता है इधर ही होता है, यही होता है, मतलब साल में इधर भी होता है गाजन। हाँ, होता है। अच्छा, अभी होता है कि नहीं होता है हमको पता नहीं, बहुत दिन के बाद आए हूँ। प्राचीन में होता था, प्राचीन में होता था, यहाँ होता था। अच्छा, आप लोग पत्थर देखने से ही पता चल जाएगा कितना पुराना, पत्थर देख से पता चल जाएगा। यही रघु बाबा जब यही रघु बाबा पहले डाकू थे टाटा का। हाँ, पहले डाकू थे। अच्छा, उसका बाद जैसे आपको बार बार हम बता रहे हैं, जैसे रसुरत्नाकर जैसे वाल्मीकि हुए उसी प्रकार इनका घटना घटा। पहले डाकू थे, उसका लास्ट में संत बने। इसका कोई ओरिजिनल फोटो फोटो नहीं है, मूर्ति है सिर्फ। मूर्ति है, फोटो भी कहूँ कहूँ वही तो है क्या, वही तो है, वही सब वो भी फोटो है, वही ओरिजिनल है ना। हाँ, ठीक है। और ये घर पे क्या रहता था वो? नहीं नहीं, ये तो बाद में बैठाया गया मूर्ति है। रघुवीर इधर रहता था ना? हाँ, इधर रहता बाबा आते थे, बैठते थे, पूजा। आप लोग को जो शिरोमणि जो है गढ़ में हम लेके चलते हैं, घर में जहाँ पर वो लोग रहते थे। शिरोमणि जी कौन थे? रानी शिरोमणि, रानी शिरोमणि एक राजा का पत्नी थी। अच्छा, ठीक है। उन्होंने क्या मंदिर बनाया था? उनका पति देव को सपना दिया विश्वकर्मा जी ने, आदेश हुआ। अच्छा, ये तो आध्यात्मिक स्वरूप है ना, लेकिन इस मंदिर के साथ शिरोमणि का नाम जुड़ा रहता है। हाँ, कुछ तो बात है। इसलिए जुड़ा है, एक शिरोमणि अंचल भी पड़ जाता है, इसीलिए जुड़ा होगा। ठीक है, माँ बहुत जागृत है मैंने सुना है। और जो बानाटा सती, जो बानना सती पीठ है उसके अंदर ये भी एक सती पीठ है। इधर एक कान पड़ा था, माँ का कान आया था इधर, उस मंदिर पे पड़ा था।